सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। और आज की हमारी इस वीडियो का उनवान है अशराए ज़िलहज की फजीलत, दो साल के गुनाह कैसे माफ़ इन 10 दिनों के आमाल। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम जानेंगे पहले अशराए ज़िलहज की फजीलत कुरान करीम की रोशनी में, नंबर दो इन 10 दिनों के आमाल क्या हैं, नंबर तीन जहन्नुम से आज़ादी किस दिन होगी, नंबर चार दो साल के गुनाह कैसे माफ़ होंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले अशराए ज़िलहज की फजीलत कुरान करीम की रोशनी में। ज़िलहज का पहला अशरा नेकियों और अजर सवाब के एतबार से आम दिनों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा अहम है, जिसकी फजीलत कुरान करीम और अहादीस मुबारक से साबित है। कुरान हकीम में अल्लाह ताला ने इनकी कसम खाई है। वल फजरी वलयालिन अश्र, सूरतुल फजर आयत नंबर 1 और 2। तर्जुमा, कसम है फजर की और 10 रातों की। अक्सर मुफस्सरीन के नज़दीक वलयालिन अश्र से मुराद ज़िलहज की इब्तिदाई 10 रातें हैं। अल्लाह ताला ने इन 10 दिनों में अपने ज़िक्र का ख़ास हुक्म दिया है। इरशाद फरमाया, वयज़कुरु इस्मल्लाहि फ़ी अय्यामिम मालूमात, सूरतुल हज आयत नंबर 28। तर्जुमा, और मालूम दिनों में अल्लाह ताला का नाम याद करें। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि इन मालूम दिनों से मुराद ज़िलहज के पहले 10 दिन हैं। इन 10 दिनों के आमाल क्या हैं? इन 10 दिनों के आमाल अल्लाह पाक को बहुत महबूब हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, इन दिनों के अमल से ज़्यादा किसी दिन के अमल में फजीलत नहीं। लोगों ने पूछा, और जहाद में भी नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, जिहाद में भी नहीं, सिवा उस शख्स के जो अपनी जान व माल ख़तरे में डाल कर निकला और वापस आया तो साथ कुछ भी ना लाया। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई दिन अल्लाह ताला के हाँ इन 10 दिनों से ज़्यादा अजमत वाला नहीं, और ना ही किसी दिन का अमल अल्लाह ताला को इन 10 दिनों के अमल से ज़्यादा महबूब है। बस तुम इन 10 दिनों में कसरत से तहलील ला इलाहा इल्लल्लाह, तकबीर अल्लाह अकबर और तहमीद अल्हम्दुलिल्लाह कहो। जहन्नुम से आज़ादी किस दिन? 9 ज़िलहज का दिन अरफा का है, जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई दिन ऐसा नहीं है कि जिसमें अल्लाह ताला अरफात के दिन से ज़्यादा लोगों को जहन्नुम से आज़ाद करता हो। दो साल के गुनाह कैसे माफ़? हज़रत अबू क़तादा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से अरफा के रोज़े यानी 9 ज़िलहज का पूछा गया तो फरमाया, एक साल गुज़रा हुआ और एक साल आगे आने वाले का कफ़ारा है। और आशूरा के रोज़े को पूछा तो फरमाया, एक साल गुज़रे हुए का कफ़ारा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने हिज्जतुल वदा के मौके पर फरमाया था, जो यहाँ मौजूद हैं वो उन तक पहुँचा दें जो यहाँ मौजूद नहीं, क्योंकि बसा औकात सुनने वाला बताने वाले से ज़्यादा अच्छा याद करने और अमल करने वाला होता है। बहुत से लोगों को ये अहादीस नहीं पढ़ी होंगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बात हर एक तक पहुँचाई जा सके और उनके साथ हमारी निजात का ज़रिया बने। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।
अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। कुरान और हदीस का ये पैगाम तमाम लोगों तक पहुंचाने में हमारा साथ दें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके हमारी हौसला अफज़ाई करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और दूसरे लोग भी आपकी तरह इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। और कमेंट्स करके हमें अपनी राय से आगाह करें। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। आमीन। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।